सुन लो, कर लो गल, शो लैके हाजिर हो गया जी मैं तुहाडा केसर साहब। ते देख रहे हो द टीवी NRI एंटरटेनमेंट। ते हर वार दी तरह आपां डिस्कशन करदे आं, गलबात करदे आं, विचार जानदे आं, ओ अज फिर असीं तुहाडे विचार जानांगे। ते अज असीं जिस ते गल करनी है मैं तुहानूं ओह वी दस दिंदा, क्योंकि एक बहुत ही संगीन मुद्दा है, बहुत ही संगीन गलबात, बहुत ही संगीन विचारधारा है कि इहनूं आपां किवें सोचदे आं, हर एक दी देखदे आं, किसे नाल गलबात करदे आं, की सोचदे ने। ते अज दा जिहड़ा मुद्दा है जिते आपां विचार करनी, गलबात करनी है, वह मुद्दा है जी कि दहेज किन्ना क जरूरी है, या लोगों नू असी किवें कह सकते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए। बहुत लोगों की मजबूरियां होंदियां विआह दे विच। सो देखते हैं, गलबात करते हैं, आ जाओ लभदे हैं कोई, अगर कोई मिलता आ रहे ने भाई, इन्हां नू रोक दे, एक मिनट भाई भाई रुको, बंद करो माड़ी जी पेट्रोल बचा लो भाई। अपना होर की हाल है जी? मुबारक हो गई भाजी, नहीं लेके आई ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਰੇ, ਮਿੱਠੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖਾਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ। ਦਰਸਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੋ, ਮਤਲਬ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਦਰਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗੀਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹੇਜ है ना, दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दहेज सरकार ने भी किया तुसी ना लो, बहुत लोगों की मजबूरियां होंगे दहेज लेना देना, इन बंद करी दहेज प्रथा। पुराने लोग लेंदे सीगे, लेकिन हुण अजकल जिहड़ी जनरेशन कह लो कि वह नहीं रही, अपनियां उह गल्लां नहीं रहियां, ते आपां लोग हुण दहेज नहीं लैंदे। तुसीं की सोच रहे हो इहदे बारे? दहेज भाजी बहुत माड़ी प्रथा है, बहुत बुरी प्रथा है। कई फैमिलीज़ इदा दी भी है जिन्हों को दहेज नहीं दिता जाता, मतलब आई गल आई, पर दाज के जो लोभी है लोगों की रिक्वायरमेंट बड़ी होंगे कि आ चाहिए वो चाहिए। वो कई लोग हम दाज सीधा नहीं मंगते, वो इनडायरैक्टली मंग लेंगे कई लोग, मतलब मंगने का तरीका होंगे, पर दाज अजे खत्म नहीं होता। नवा नवा विआह हो? नहीं नहीं भाजी, मैं तो दाज में देखो, सानू तो कुड़ी मिल गई दो कपड़े दे, होर की चाहिए है ना, क्या विचारा हा। इस तो वधिया होर कुछ भी नहीं हो सकता भाजी। कुड़ी मतलब वो जी है मेरी वाइफ हूँ, मेरी इन्नी सेवा करती है ना, इन्ना कुछ मैं घर बैठे बैठे मिल गया, मैंने तो लोड़ ही नहीं है मतलब दाज मंगने है ना। तो पर बाकी देखो जे वो हम घर जे पेरेंट्स आ, वो जो AC लवाए आ, तो उन्हों की कुड़ी रहूँगी ना AC ठंडी हवा से, उन्हों की कुड़ी वास्ते वधिया आ है ना। तो जे वो कर देंगे फ्रिज देंगे है ना, मैनू फ्रिज नहीं चाहिए, मैं करनी फ्रिज है ना, पर ठंडा पानी उन्हों की कुड़ी मिलना, उन्हों की कुड़ी ठंडा पानी मिलूंगा, वो पानी पीऊँगी। उस तो बाद जो स्कूटी लैके देंगे, स्कूटी देंगे तो हूँ आना जाना कि सौखा होगा, कि बाई चांस मैं फसया हो नहीं आ सकया, तो वह कुड़ी आप जाके अपना काम कर सकती है। मतलब कि जिहड़ी फैसिलिटीज़ है जे देन तो अपनी कुड़ी वास्ते ही है, मतलब सानू तो दाज का कोई वो नहीं है, मतलब कि है ना दाज मंगी स्पैशली, चाहे दाज के लोभी हुई है, दाज नहीं मंगया उन्होंने को। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ TVNRI ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।